हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन दोनों मोटर का प्रेशर है वो डाउन हो चुका है और इनके जो एम्पिलर है बिल्कुल सही है। ये देखिए, इसका भी एम्पिलर बिल्कुल सही है। अगर एम्पिलर ख़राब होता तो यहाँ से कट जाता, तो ये बिल्कुल सही है। और इसका भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बिल्कुल सही है एम्पिलर, भले ये प्रेशर नहीं दे रही। तो हम इसमें आज कट लगवाने वाले हैं। तो कट हमको किस तरह से लगाना है, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलो चलते हैं लेथ पे। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी हमको कट लगाना है तो ये वाली रिंग हमको पहले से नाप लेना है और उसी हिसाब से नीचे हमको रिंग बनाना है। तो हमने इसको नाप लिया है, तो हम इसको बनेर को बाहर निकालते हैं एक बार। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये वाली रिंग है ना, ये वाली हमको साफ करना है यहाँ से और इसको नीचे की ओर बनाना है। तो हमने यहाँ से नाप लिया है और अब हम इसे यहाँ से साफ कर देंगे और यहाँ पर रिंग नीचे बना देंगे, ताकि जो एम्पलर है वो आगे की ओर टच होकर चलेगा तो इसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो चलो लगाते हैं कट। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये देखिए इतना हमने डाउन कर दिया है। अब हमको यहाँ से रिंग बनाना है, ये वाली रिंग नीचे की ओर बनाना है। तो इतना डाउन हमने कर दिया है, अब यहाँ से नीचे की ओर बनाएंगे रिंग। तो चलो बनाते हैं। तो ये रिंग बन चुकी है, तो अब हम मनवेर से नाप लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, हमको अंदर वाले में नहीं लगाना है, हमको अंदर में बिल्कुल हल्का सा टच करना है, ताकि ये जंग वगैरह साफ़ हो जाए। काम हमको करना है वो ऊपर का ही करना है, यानी कि हमको ये डाउन कर देंगे तो एम्पिलर है वो आगे टच होके चलेगा, तो प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से कट लगाना होता है। तो चलो, हम इसे फिटिंग करके मैं आपको प्रेशर है वो दिखाना चाहूँगा। तो चलते हैं। दोस्तों, हम इस पर कट लगवा चुके हैं और अब इस मोटर में हम फिटिंग करने वाले हैं। तो चलो इसे फिटिंग करते हैं।
दोस्तों हमने इसमें फिटिंग कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पहले तो पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि सील जल जाएगी, तो हम इसमें पानी डाल लेते हैं। इसमें पानी फुल हो चुका है, तो चलो चलाते हैं मोटर को। हाथ लगा दोस्तों, मोटर को चालू हमने कर दिया है। अब हम इसे धीरे धीरे टाइट करने वाले हैं, धीरे धीरे टाइट करना है। अब तक हमने लगी डिस्क्रिप्शन टाइट करेंगे, ऐसी तक छोटी आवाज़ आनी चाहिए। तो दोस्तों ये तक होके चल रहा है। अब हम इसमें मिट्टी डालने वाले हैं ताकि ये बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो जाए। तो हम बोल को चाहे रहने देते हैं, हम इसमें मिट्टी डालने वाले हैं। तो दोस्तों मिट्टी से क्या होगा, जहाँ भी टच होके चल रहा है वो साफ हो जाएगा और इसका प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों मिट्टी हमने ले लिया है, तो मिट्टी के अंदर कंकर एक भी नहीं होना चाहिए। तो हम डाल देते हैं इसे। तो देखिए कम से कम आवाज़ हो रही है और फिर पानी डालते रहना है। दोस्तों मोटर को हेड में कट लगाने के बाद इस तरह से सेट किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको हाथ इस तरह से लगा के रखना है और इस पर पानी डालना है और हमारे हाथ को ये अंदर की ओर ले जाना चाहिए। तो आप मेरे हाथ को देख सकते हो, इस तरह से अंदर की ओर खींचना स्टार्ट कर दिया है इसने। इसका जो प्रेशर है दोस्तों वो बढ़ चुका है, काफ़ी प्रेशर इसका बढ़ चुका है क्योंकि इसमें अब जगह नहीं है, पानी की चिरने की जगह नहीं है, इस कारण इसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से मैं लेद पे कट लगवा कर इस मोटर का प्रेशर है वो बढ़वा देता हूँ। अब मेरे हाथ को देख सकते हो, इस तरह से हाथ को खींचना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ है बिल्कुल कम हो चुकी है और हमने इसका जो मिट्टी डाली थी वो निकाल दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।